ईद मुबारक हो गाइस। देखो ईद का चांद इतना ज़्यादा खूबसूरत है, और इस चांद के ऊपर अगर आप देख रहे हो तो चांद के ऊपर एक छोटा सा तारा भी है, कितना ज़्यादा खूबसूरत है ना। और ये रही मैं गाइस, आप सब लोगों को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं, ईद मुबारक हो गाइस। एक महीने के बाद आया है, सो ईद हेल्दी, और अच्छे से खाइए, मालपुआ खाइए, मीठा खाइए, नॉनवेज बहुत सारा खाइए ऑब्वियसली, और खुश रहिए, अच्छे से रहिए, और मेरे साथ एक बार और ईद के चांद को देखिए। ऑब्वियसली साल के भर के बाद जो कहते हैं ना ईद का चांद होगा, तो मैं आपको प्रॉपर बार बार दिखाऊंगी, जिससे आप हमेशा मुझे और इस चांद की मेमोरीज को एक साथ याद करें। बच्चे ईद के चांद के आगे फुटबॉल खेल रहे हैं, गाइस। मेरा तो मन नहीं हो रहा कि मैं यहाँ से जाऊँ, क्योंकि ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस चांद के आगे, और दुआ यही है कि बस ऐसे ही मैं मुस्कुराती रहूँ, ऐसे ही खुश रहूँ, ऐसे ही मैं हैप्पी रहूँ, वाइब्रेंट रहूँ, पॉजिटिव रहूँ, और ऐसे ही आपसे ढेर सारी बात करती रहूँ, अच्छे अच्छे कंटेंट बनाती रहूँ। ठीक है गाइस, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है ऑब्वियसली। मैं देखो एक एरोप्लेन जा रहा है, मैं आपको अभी दिखा दूँ, ये प्लेन है, वाओ, व्हाट एन प्लेन गाइस, कितना है सब कुछ, कितना सीरियसली, ठंडी ठंडी हवा, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और पॉजिटिव वाइब्स है, स्पेशली शाम के समय हो जाती है, बहुत सोंधी सोंधी सी हवा है, सोंधी सोंधी सी फीलिंग है, एक ताजगी है, एक फ्रेशनेस है जो कि रिक्वायर्ड है इतने सारे ढेर सारे काम करने के बाद। शाम एक ऐसी होती है, वो भी ईद की हो तो और दुगनी हो जाती है खुशी, जहाँ पर आप बैठ करके तसल्ली के साथ एक सांस लेकर के पीस महसूस कर सकते हैं। गाइस अपना आप हमेशा ख्याल रखिए, मुझे हमेशा प्यार करिए, और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है, मैं अच्छी लगी हूँ, तो मेरे चैनल को जो कि है यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए, और अपना यहाँ से मस्जिद भी दिख रही है गाइस, वो मैं दिखा करके फिर फाइंड आउट। ओके गाइस, एक बार और चांद देख लीजिए मेरे साथ, ऑब्वियसली ईद का है तो स्पेशल है, साल भर में एक बार आता है, फिर उसके बाद वाइट आउट।